हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरुआत के 12 स्टॉक्स हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट में डिस्कस कर चुके हैं, आगे के स्टॉक्स अब डिस्कस करते हैं। अगला है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। और सेम प्रॉफिट कैलकुलेशन हम करेंगे, अलोकेटिंग 16667 इन ऑल द स्टॉक्स, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 8 लाख। मैंने 6 लाख बोल दिया था, बट 48 स्टॉक्स हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा 8 लाख का। उस हिसाब से हर स्टॉक में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो है 16,667 रुपीज़ का। सी ओपनिंग हुई नीचे और यहाँ पर सपोर्ट इसने कहाँ पर लिया है वो देखते हैं, वॉज इट अ लेवल ऑफ सपोर्ट और नॉट। वॉज इट अ लेवल ऑफ सपोर्ट और नॉट। सी पहली बात तो नीचे की ओपनिंग हो गई, देखने की ज़रूरत नहीं है, लेवल के पास था नहीं तो हमारा ट्रेड किसी भी तरीके से इनिशिएट नहीं हुआ। ओके, किसी भी तरीके से हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ क्योंकि वो हमारे लेवल के पास था ही नहीं। सो देखने वाली बात यह है कि जो है सो है। अगला है ग्रासिम। ग्रासिम में देख लेते हैं, ओपनिंग हुई हमारे फिबोनाच के नीचे, बट इसको रिजेक्शन मिला कहाँ से वो देख लेते हैं। यानी सी इसकी बॉडी के नीचे ओपन हुआ, डोजी एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। एंड ऑल्सो इस कैंडल को ओपन आप देखिए, इस कैंडल को ओपन क्या है 2695 और आज का ओपन क्या है 269665। हालांकि इसको पुल लेना चाहिए था बट इसने यहाँ से पुल नहीं लिया। ओके, सो इस डोजी ने अपना काम किया, इस डोजी ने एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया यहाँ पे और शॉर्ट इनिशिएट हुआ इसी लेवल से और यहाँ पे ये वीक हो गया। इंटरडे टाइम फ्रेम पर भी यदि हम इसको चेक करें, ओके, तो देखिए हाउ सो ब्यूटिफुली इट गॉट रिजेक्शन फ्रॉम हियर एंड कंफर्म हो गया कि अब ये स्टॉक यहाँ से वीक होने वाला है। ओके, और यहाँ पे बहुत अच्छी एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली बिटवीन दीज लेवल्स, तो शॉर्ट हमारा यहीं से इनिशिएट हुआ बिलो इस कैंडल का हाई देखिए 2690। ओके, सी कुछ दिखा रिजेक्शन बनाए वहां पे। ओके, मुझे दिखा एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द कोर्स। ऑल राइट, चलिए शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली, क्लोजिंग बेसिस पे कितना मूवमेंट मिला इस पॉइंट से हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमको यहाँ पर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। ओके, और मूवमेंट हमको यहाँ पर मिला 88.7 रुपीज़ का ग्रासिम में। सो 88.70 क्रॉस, थर्टी टू। यहाँ पे ग्रासिम के बाद अगला है लॉयड एसएमई। बहुत अच्छा पुल बैक मिला है, लेवल्स लोड हो जाए फिर देखते हैं। सी दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 970.05 के लेवल। तो यहाँ पर जो है हमको केवल ट्रेड इनिशिएट हुआ और लॉयड्स ने केवल हमको ब्रोकरेज किया क्योंकि कोई खास मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला। ठीक है, इसके बाद अगला है कोठारी पेट, कोठारी पेट्रो केमिकल्स। सी कैप डाउन ओपनिंग हुई बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेवल्स लोड हो जाए। सी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहीं से हमने बाय इनिशिएट किया, कितना मूवमेंट मिला हमको ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, टारगेट हमको पूरा अचीव हुआ है हमारा ऑफ दिस कैंडल,
ऑल राइट, सो टोटल मूवमेंट मिला हमको यहाँ पे 11 रुपीज़ 5 पैसे का, 11 रुपीज़ 5 पैसा इंटू कोठारी पेट, थ्री सेवेंटी थ्री क्वान्टिटीज़, ओके। इसके बाद है बॉम्बे टाइम, मज़ा आ रहा है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ एवरीवन। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ लखनऊ में, लास्ट वीडियो में हमने कैलकुलेट के 12 स्टॉक्स में वी गॉट अ रिटर्न ऑफ 12.485%। सी कितना अच्छा कंफर्म शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे, क्योंकि लास्ट ओपन के नीचे ओपन हुआ है, सीधे शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला एंड वी इनिशिएटेड अ शॉर्ट हेयर, ओके। एंड टारगेट वॉज डाउन टू दिस लेवल विच इज़ द लेवल ऑफ 228, ओके। तो इस लेवल पर इनिशिएट किया हमने, जो कि है 235.40, 234.50 सॉरी, ओके। और कितना मूवमेंट मिला ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, 8 रुपीज़ 5 पैसा। यहाँ पे मिली 368 क्वांटिटीज़, वैसे ये क्वांटिटी ज़्यादा ही होती हैं क्योंकि मूवमेंट पूरा हो चुका है, बट स्टिल वी कैलकुलेट ऑन दी क्लोजिंग। बॉम्बे डाइंग के बाद अगला है एस्कॉर्ट्स, सीधे फॉलो हो गया। इंट्राडे टाइम फ्रेम्स पे देखते हैं कि क्या मूवमेंट रहा। कोई भी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं हुआ, ना शॉर्ट करने का ना लॉन्ग करने का, क्योंकि सीधे गिर गया और हमारे लेवल को इसने टेस्ट भी नहीं किया, जो कि था हमारा ही ऊपर वाला लेवल, द लेवल ऑफ 3791.10। तो इसमें भी कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। अगला है जिंदल पॉली, इस लेवल को टेस्ट करने गया ही नहीं, वहीं से गिर गया। तो जिंदल पॉली में भी शार्प फॉल हो गया, तो कोई भी हमारा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं हुआ, सी, ओके। सो जिंदल पॉली में भी कोई ट्रेड हमारा इनिशिएट नहीं हुआ। अगला है खादिम, यहाँ पे भी नीचे के लेवल को फिर से टेस्ट किया और वहीं पे क्लोज हो गया, जो हमारा बाइंग का लेवल था। तो यहाँ पे भी हमारा जो अमाउंट गया वो है सिर्फ हमारा ब्रोकरेज, ओके। चलिए इसके बाद अगला है आस्क ऑटो लिमिटेड, मज़ा आ रहा है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। एंड यस, काफ़ी दिनों से मैंने स्विंग ट्रेड्स की, स्टॉक्स की वीडियोस अपलोड नहीं की है, बहुत जल्दी करने वाला हूँ। सी नीचे के लेवल को टेस्ट किया, बाई की अपॉर्चुनिटी दी एंड क्लोजिंग दे दी है, हमारे सपोर्ट के जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा यदि इसके ऊपर की ओपनिंग हो जाती है तो। ऑल राइट, चलिए तो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे हमें कितना मूवमेंट मिला है वो देख लेते हैं। वैसे हमारा बाय जो इनिशिएट हुआ किस पॉइंट पे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। पहले
बाय हमारा इनिशिएट हुआ है इस कैंडल के हाई पे, जो कि है 442.30। ओके, तो हमको क्लोजिंग बेसिस पे कितना मूवमेंट मिला है, 4 रुपये का, 4 क्रॉस। लास्ट वीडियो में मैंने देखा ये पोर्शन विजिबल नहीं हो रहा था, 186, 4 क्रॉस 186। ओके, चलिए इसके बाद अगला है ये मुद्रा, आपको यदि मेरा वर्क अच्छा लगता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दिया कीजिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सी, ऊपर की ओपनिंग हुई, अगर ये 938.2 के लेवल को टच करता आज के दिन में तो हम शॉर्ट इनिशिएट करते, ऑल राइट, बट इसने टच नहीं किया तो यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ, ऑल राइट। सो ये हमारा तीसरा स्टॉक है जिसमें कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ, बाकी दो स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें हमारा केवल ब्रोकरेज किया है। इसके बाद अगला है बॉश लिमिटेड, नीचे के लेवल को ही इसने बेस बनाया, ऑल राइट, और जो हमारा बाय का लेवल था वो था ये फिबोनाची इनिशिएशन का लेवल, जो कि 35182.80। फॉर ऑल द लेवल्स जो मैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट में भी डिस्कस कर रहा हूँ, गो एंड वॉच द एनालिसिस वीडियो, आप सबको क्लैरिटी मिल जाएगी जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, ऑल राइट। तो यहाँ से बाय इनिशिएट हुआ और हमारा फर्स्ट टारगेट के पास भी ये नहीं गया, सो ऑन अ क्लोजिंग बेसिस हमें जो यहाँ पे मूवमेंट मिला बॉश में वो है 162 रुपये का मूवमेंट। और यहाँ पे हमें सिर्फ दो स्टॉक मिल पाए हमारा जो अमाउंट एलोकेटेड है उसके हिसाब से, ऑल राइट। चलिए बॉश के बाद अगला है लास्ट जो सेकंड पार्ट का है वो है एगिस लॉजिस्टिक, लेवल्स लोड हो जाए, नीचे ओपन हुआ और हमारे फिबोनाच को ही इसने सपोर्ट बनाया, ऑल राइट, और फिबोनाच से जो हमारा टारगेट था वो हमको दोनों को ब्रेक करते हुए, रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए, और बीच में एक फिबोनाच लेवल भी है जिसको इसे देखते हैं रिटेस्ट किया कि नहीं किया, बिल्कुल उसको इसने बेस बनाया है, ठीक है। सो कितना मूवमेंट मिला हमको फ्रॉम द फिबोनाच सपोर्ट, आई विल से अगेन एंड अगेन, आप जाकर के पहले एनालिसिस का वीडियो देखिएगा फिर उसके बाद ये देखिएगा, चलो फर्स्ट टाइम आ रहे, 31.50 का मूवमेंट मिला यहाँ पे, 31.50 क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड्स बने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रेड्स बने हैं, ऑल राइट, 1 2 3 4 में ट्रेड्स नहीं बने हैं और 2 में हमारा ब्रोकरेज गया है। ओके, सो कितने में ट्रेड्स बने हैं हमारे टोटल, 1 2 1 2 3 4 5 6। हाँ मैम,
ओके सॉरी फॉर दैट, घर के कॉल्स लेने बहुत ज़रूरी होते हैं कभी कभी है, रात के टाइम में। सो यस, टोटल जो हमारे इनिशिएट हुए हैं वो हुए हैं 6 प्लस 2 माने कि 8। सो 8 इनिशिएट हुए हैं, तो 8 के हिसाब से जो हमारा मनी एलोकेट हुआ वो हुआ 8 क्रॉस 16667, विच इज़ 1,33,336 रुपीज़। ऑल राइट, चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। सो वो है 88.70 क्रॉस 32 प्लस 11.05 क्रॉस 373 प्लस 8.05 क्रॉस 368 प्लस 4 क्रॉस 186 प्लस 162 क्रॉस 2 प्लस 31.50 क्रॉस 20। तो टोटल प्रॉफिट जो हमारा बना वो बना 11621। ओके 11621 प्रॉफिट बना हमारा। अब ब्रोकरेज देख लेते हैं। ऑल राइट, ब्रोकरेज देख लेते हैं। हमारे टोटल जो स्टॉक्स चले जिनमें हमको प्रॉफिट मिला है वो है 6, और 2 में हमारा ब्रोकरेज गया। तो 6 प्लस 2 8 -800, 100 रुपीज़ का हम ब्रोकरेज और चार्जेस मिला लेते हैं बाय सेल मिला करके पर स्टॉक। सो -800 ये हो जाता है 10,821। ओके और टोटल हमने कितना अलोकेट किया, 1,33,336। सो 10,821 डिवाइडेड बाय 1,33,336 ये हो जाता है 8.115%, 8.115%। ओके तो फर्स्ट पार्ट में जो हमने रिटर्न निकाला वो है हमारा 12.485%, दूसरे पार्ट में जो हमने निकाला 8.115%। सो यदि हम एवरेज लें दोनों का, ओके तो कितना रिटर्न अभी तक हम निकाल चुके, 8.115 प्लस 12.485, 10.2% का हम रिटर्न निकाल चुके हैं शायद। ऑल राइट, सो आई होप आप लोगों को परफॉर्मेंस रिपोर्ट अच्छी लगी होगी, अपना फीडबैक प्लीज़ मुझे दीजिएगा। और आप यदि कोर्स एनरोल करना चाहते हैं इसी तरीके से स्मूथली एनालिसिस करना चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9205902888, मेरा कॉन्टैक्ट है, व्हाट्सएप भी इस पर अवेलेबल है। और दूसरा आप मुझे मेल पर भी लिख सकते हैं, मेरा मेल है avilaslife@gmail.com। ऑनलाइन कोर्स की जो फ़ी है वो 13,200 रुपीज़ है, और यदि आप लखनऊ को बिलोंग करते हैं और ऑफलाइन सेशंस लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज है 16,500 रुपीज़। ऑल राइट, मैं आप ही के लोकेशन पर आपको विजिट करके मेंटोर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। एनीस, हमेशा याद रखें कि स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज़रूरी है।